सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अगर आप सभी को याद होगा तो 2 महीने पहले ही अपडेट आया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी फॉर्मली अस्त्र मिसाइल को अपने फ्लीट में इंडक्ट करने वाली है और इसकी इनिशियल ऑर्डर के तौर पर 50 अस्त्र MK1 वेरिएंट के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था। अभी तक सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की SU-30MK एयरक्राफ्ट ही अस्त्र मिसाइल को फायर कर सकता था, लेकिन जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 में भी अस्त्र मिसाइल को फिट करने का प्लान किया जा रहा है। पहले बताया जा रहा था कि इसके लिए 2023 तक का वक्त लग सकता है, पर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सभी अपग्रेडेड MiG-29 में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला कर दिया गया है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 200 अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाने वाला है। ये मिसाइल अभी SU-30MK और MiG-29 में स्टैंडर्ड VVR रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हैं। बाद में 2023 के बाद तेजस MK-1 और मिराज फ्लीट में भी अस्त्र मिसाइल को स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। अभी जिन अस्त्र मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा ये Mark-1 वेरिएंट के हैं, जिनकी रेंज करीब 110 किलोमीटर तक है और ये अभी रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल से काफी बेहतर है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की MRAM मिसाइल से भी हमको थोड़ा सा एडवांटेजेस दिला सकते हैं। अगला अपडेट MS-60R हेलीकॉप्टर को लेके है। ये बात आप सबको पता होगा कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स से फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर करीब 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला है। 24 मार्च को यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार MS-60R हेलीकॉप्टर्स की इंडियन वेस्टलैंड स्टैंडर्ड की कुछ स्पेसिफिकेशन को डिस्क्लोज किया गया था, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया था कि भारत को जिन MS-60R हेलीकॉप्टर को सप्लाई किया जाएगा वो रॉयल सऊदी एयरफोर्स को सप्लाई किए गए MS-60R हेलीकॉप्टर्स की कन्फिग्रेशन की होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स की तरफ से जो MS-60R हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर दिया गया था वो इन हेलीकॉप्टर्स की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। साथ ही इसमें यूनाइटेड स्टेट नेवी की स्टैंडर्ड की तरह ही ANAS-44C मल्टीस्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम, ANAVS-9 नाइट विजन गॉगल्स, MK-54 टॉर्पेडो क्री वेपन सिस्टम मौजूद होने वाली है। इन हेलीकॉप्टर्स को भी इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर किए गए हेलीकॉप्टर्स की तरह सेम टाइप की एंटी सर्फेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये इंडिया के लिए एक बेसलाइन वेरिएंट होने वाली है और इन सिस्टम के अलावा भारत को डिलीवर होने वाले हेलीकॉप्टर्स में हेलफायर मिसाइल और कॉन्ग्सबर्ग नेवल स्ट्राइक मिसाइल भी मिलने वाली है। कॉन्ग्सबर्ग एक एंटी शिप मिसाइल है और भारत दुनिया का पहला MS-60R हेलीकॉप्टर ऑपरेटर होने वाला है जिसे ये मिसाइल मिलने वाला है। इन सिस्टम के अलावा इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इन हेलीकॉप्टर्स में लगने वाला है, जिसको कि अभी सीक्रेट रखा गया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एरियल टैंकर्स को लेके है। 2 दिन पहले ही अपडेट आया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी एरियल टैंकर्स को लीज पर लेने के लिए बातचीत करने वाली है, क्योंकि अभी हमारे पास जो IL-78 टैंकर मौजूद है इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को थोड़ी सी डाउन कर रही है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं इसके बाद हम किसी फ्रेंडली कंट्री से जरूरत पड़ने पर इस तरीके के एयरक्राफ्ट को लीज पर ले सकते हैं। आज इसी को लेकर एक अपडेट आया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपने IL-78 टैंकर्स की पुराने D-30KP2 इंजिन्स को मॉडर्न PS-90A-76 इंजिन से रिप्लेस करने वाली है। साथ ही इसमें अभी मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। एरियल टैंकर्स के अलावा एडिशनल 2 इजरायली ELW-2090 रडार्स को भी खरीदने का फैसला अभी किया गया है, जिनको IL-76 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके इनको AWACS में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी हमारे पास इसी स्टैंडर्ड की 3 AWACS मौजूद हैं, लेकिन अभी जो 2 नए एडिशनल AWACS बनाए जाएंगे उसके लिए IL-76 एयरक्राफ्ट की जो एयरफ्रेम है उसको रशिया से खरीदा जाएगा या फिर यूक्रेन से खरीदा जाएगा, इसको लेके थोड़ा सा डाउट है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अभी एडिशनल IL-76 की एयरफ्रेम मौजूद है और अगर हम ये बेहतर प्राइस के साथ यूक्रेन की तरफ से ऑफर किया जाता है तो इनको यूक्रेन से खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को लेके है। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर फ्लीट की बात करें तो इसमें सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम लिया जाएगा, लेकिन जब चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे नहीं गए थे तब इंडियन एयरफोर्स हैवी लिफ्टिंग के लिए MI-26 हेलीकॉप्टर के ऊपर डिपेंड करता था। इनिशियली 1986 में भारत ने करीब 6 MI-26 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें से 1989 तक हमें 4 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए गए थे
और उसके बाद बाकी जो दो हेलीकॉप्टर्स थे उस डील को कैंसिल कर दिया गया था। अभी हमारे पास MI-26 की 3 यूनिट मौजूद है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी उड़ने लायक कंडीशन में नहीं है। और आखिरी बार MI-26 को 2017 में उड़ते हुए देखा गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि MI-26 हेलीकॉप्टर फिर से इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल होने वाले हैं। सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की कमी होने की वजह से सभी MI-26 हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कंडीशन में रखा गया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी तीनों के तीन हेलीकॉप्टर्स को रशिया भेजने का प्लान कर रही है, जहां पर इनको लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। और इनकी लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के बाद ये हेलीकॉप्टर एडिशनल 8 से 10 साल तक इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर पाएंगे। तीन MI-26 हेलीकॉप्टर में से पहले दो हेलीकॉप्टर्स को पार्शियली डिसेबल करके रशिया भेजा जाएगा और आखिरी हेलीकॉप्टर सभी फ्लाइंग कंडीशन में तो उसे शायद डायरेक्टली रशिया लिया जा सकता है। रशिया भेजे जाने के बाद पहले हेलीकॉप्टर्स को हमें 10 से 12 महीनों के अंदर अपग्रेड करके डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद 6 महीने के अंतर में बाकी दो हेलीकॉप्टर्स को हमें डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। नेवी रिकॉग्निशन में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाली दूसरी टाइप 54A क्लास की फ्रिगेट्स की दूसरी वेसल की कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो चुकी है। रिसेंटली चाइना की हांगडोंग जंगवा शिपयार्ड की एक फोटो सामने आई है जिसमें चाइनीज और पाकिस्तानी ऑफिसर एक ही ग्रुप फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं और ये फोटो दूसरी टाइप 54A क्लास की फ्रिगेट की कील लिंक समारोह के दौरान लिया गया था। इस तरीके की पहली वेसल पाकिस्तान को 2021 तक मिल सकती है और ये पाकिस्तानी नेवी की सबसे ताकतवर वेसल बनने वाले हैं। इन वेसल में 32 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होने वाली है और इसमें HQ-16 एयर डिफेंस मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, 8 C-803 एंटीसी या फिर लैंड अटैक मिसाइल, 6 YU-7A SW टॉर्पेडो लॉन्चर, 2 टाइप 730 क्लोजिन वेपन सिस्टम और मल्टीपल एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर मौजूद होने वाली है। और असल मायने में ये वेसल फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए खतरा बनने वाले हैं। अगला अपडेट K-31R हेलीकॉप्टर को लेके है। रिसेंटली रशिया की तरफ से अपनी नेवी में K-31 हेलीकॉप्टर की एक नई वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये K-31 हेलीकॉप्टर का एक रिफाइंड वर्जन है जिसे अभी इंडियन और चाइनीज नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। रशिया की तरफ से अभी इस हेलीकॉप्टर को अपनी ब्लैक सी फ्लीट में इंडक्ट किया गया है। रशियन नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल इगोर नेकरासोव ने बताया कि इन हेलीकॉप्टर्स को प्राइमरीली सी गोइंग टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन ये लगभग सभी तरह के एरियल टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स भी शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इन हेलीकॉप्टर्स में जो रडार लगा हुआ है वो इतना पावरफुल है कि ये पूरी ब्लैक सी की सरफेस को कवर कर सकता है। रशियन नेवी में अभी इसकी एक कंप्लीट स्क्वाड्रन को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है और अगर आपको याद होगा तो इंडियन नेवी भी अभी अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए करीब 10 K-31 हेलीकॉप्टर को खरीदने वाली है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत की तरफ से भी K-31 की बेस वेरिएंट के बदले K-31R वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया जाएगा, क्योंकि अभी इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होने में काफी सारा वक्त बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।